अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक होते हैं भैया? ठीक है फिर तो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सही जनाब, जनाब क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुल्तान ब्लॉग। रहना मेरे साथ जाना, मेरे चैनल का सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें। पहले फिलहाल का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें ना मेरे कम अज़ कम तीन से चार टॉपिक हैं। वो तीन से चार टॉपिक क्या हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। फिलहाल थोड़ा सा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे टॉपिक्स क्या क्या थे। तो टॉपिक्स भी टॉपिक्स जो है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। सबसे पहला मेरा टॉपिक्स व्लॉग बनाना है, ठीक है ना? वो अभी बना रहा हूं मैं। ये क्या कर रहे हो? हैदर के काम चेक करें, इधर शैतानिया कर रहा है और ये गिर जाएगा इधर से। नहीं गिरता है? अच्छा, आपको पता है नहीं गिरता है। वाह जी वाह। और यहाँ पर इब्राहिम साहब भी खड़े हैं। इब्राहिम साहब कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? फिट हैं? और यहाँ पर बेबो साहब भी खड़े हैं। हाँ भी बेबो साहब कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? फिट हैं? वाह जी वाह। आजकल तो शाका बन रहे हो आप तो, हैं? वाह जी वाह। चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये कौन सोया हुआ है? अच्छा, वो घर जाने वाला बुखार तो नहीं है? घर जाने वाला बुखार? अच्छा चले इसकी करते हैं कुछ, इसका आटा डाला करते हैं। हाँ जी, ठीक है सर। ये आप टेंशन ना लीजिए, फिट हो जाएंगे। बस जब आप टीके का बस नाम लें ये फिट हो जाएंगे। टीके का नाम भी दिया नहीं है। हाँ बस थोड़ी देर में आता हूँ मैं। तो यहाँ पर मामू जो है ना घर में नहीं है, और मुंशी भाई भी जो है ना माशाल्लाह आए हुए हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? इधर भी कोई नहीं है। मामी उधर गए हुए हैं वाइट हाउस में, और मामू बैठे हैं बस, और तो कोई नहीं है इधर। वैसे गए हुए हैं घूमने फिरने। और आप सुनाए, घर में सब ठीक ठाक हैं? हैं, कब आए हो घर में? कब आए हो? मैं तो इधर ही हूँ। नहीं, घर से कल नहीं आया आप शाम को गाड़ी पे? आप आए हैं? मैं तो नहीं आया। नहीं, आप आए हैं, आप आए हैं। घर में सब ठीक थे ना? आप सुनाए। ओ यार खुदा का बंदा, मैं जो आया हूँ कम से कम आप मुझसे पूछो, मिले बगैर ऐसे बस अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, फिर चले गए हो। यार मुझसे आप पूछो कि घर वाले कैसे हैं, ठीक हैं, कैसी तबीयत है, छोटे बच्चे कैसे हैं, आप ही कैसी हैं, अम्मी अब्बू कैसे हैं, आप कम से कम पूछ तो सकते हो यार। जब से ये हमने ये काम शुरू किया है ना। अच्छा, माशाल्लाह जो है ना आपको था, वो मेरा साथ आ गया। ये वाला सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? बिल्कुल बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सब लोग मिले हैं मुझे, लेकिन नंबरदार मुझे नहीं मिला यार। नंबरदार मैं इसके साथ होते कका। क्या साथ होता है? इसके साथ होते काम करते आप? उसके तो साथ होते हो, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मिले तो नहीं हो मुझे व्लॉग में। व्लॉग में? व्लॉग व्लॉग में मौलाना साहब? मैं नहीं मिला मौलाना साहब। व्लॉग में भी मिलते हैं, व्लॉग में भी मिलते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है संदूक फरूक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फिट फाट? बिल्कुल फिट, फिट फाट। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा सरप्राइज, क्योंकि बहन भाइयों को पता है। हाँ जी ठीक है ना, व्लॉग में भी हम मिलते हैं। हाँ जी, और वैसे भी मिलते हैं। वैसे ही व्लॉग में हमारा मिलना अलहदा होता है। हाँ जी, और वैसे मिलना अलहदा होता है। अलहदा होता है, ये बात है, ये बात है। तो अच्छा यार आप नहीं मिले यार, कम से कम बंदा आप। चलो अब तो मिल गया हूँ ना। आप मैं आप अभी जितना मर्जी चाहे मुझे जप्पियाँ शप्पियाँ पालो, अब तो मिल गया हूँ ना।
वाजी वाह वाजी वाह, ये देखे ऐसा प्यार होना चाहिए भाइयों का है। भाई तो भाई कसम से है बहुत मूज आई हुई थी मेरी या सबकी ये अबू के नाम की ठीक है ना, तो ये अम्मी के नाम की ठीक है ना, तो ये किंजा के नाम की ठीक है ना, तो ये सब बस करो यार अब बस कर, इतनी जप्पियां कौन डालता है यार यार, और कितनी डालोगे जप्पियां यार, बहुत डालूंगा ये मैं बताता हूँ, गले लगा, ये मैं बताता हूँ, ये जो हमारी दादी फौत हो गई है उसके नाम पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत अफसोस हुआ, तो जैसा कि आपको पता है दादी फौत हो गई थी, तो आप ना उनका नमाज जनाजा पढ़ के आ गया हूँ मैं। क्या है उधर अम्मी अब्बू थे? हाँ जी अम्मी अब्बू भी थे, सब थे वहाँ पे। मैंने बहन भाई से कहा है, मैंने कहा सारी फैमिली जो है ना मेरी उधर है। हाँ तो नमाज जनाजा फौत की भुगतान रखी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन कल जो मामू गए थे ना, मामू असलम और जो है नानी गए थे, अभी उधर है अभी नहीं है, तो उनके साथ ना भाई मेरा चला आया। बिल्कुल ऐसी बात है, तो कोई मसला कोई इशू नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने जो है ना दुआ करनी है मेरी दादी के लिए, और जो है ना अल्लाह पाक उनको जन्नत अल्लाह ताला मकान का फरमाए, और जो है ना दरूद शरीफ हो जो है ना कुल शरीफ बहुत दिल से कसरत से पढ़ने हैं, क्योंकि उनको सवाब मिलता रहे। आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इधर भी हमारी वीडियो हो चुकी है मुकम्मल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, मेरा भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। और हो गया आपका बिल्कुल व्लॉग एंड 50 मिनट का हमारा व्लॉग तो अभी शुरू हुआ है, आपका व्लॉग एंड हो गया है, इतना जल्दी एंड हो गया है, 50 मिनट का आज व्लॉग बनाया है, इतना छोटा सा भी लोग बनाया है, सरप्राइज देना था सारा दिन। मैं हाजिर हूँ ठीक है ना, अभी तो मेरा सरप्राइज हाजिर है ठीक है ना, मैं हाजिर हूँ, वो एक अलग बात है कि मेरा कद थोड़ा आपसे लंबा हो गया है, बाकी मैं हाजिर हूँ ठीक है ना, तो सब लोग बहुत ज्यादा सलाम दे रहे थे आपको, वालेकुम अस्सलाम, खास तौर पे किंजा बाजी का सलाम, वालेकुम अस्सलाम ठीक है ना, बहुत मुंजी हो गई है। हाँ उसको बहुत याद आती है आपकी ठीक है ना, वो कहते हैं कि मैंने जल्द से जल्द मुंशी भाई के पास जाना है, तो मैं ले आके आ रहा था, फिर कहती है नहीं अब मामा जाएगी तो फिर जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी, तो इसी वजह से वो रुक गई ठीक है ना, तो नहीं तो वो आने वाली थी, तो मैंने कहा चलें मुंशी भाई भी बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पर सब लोग मुंशी भाई की सेवा करेंगे और गले लगाएंगे और यहाँ पर रहेंगे फिर मुंशी भाई, लेकिन लगता नहीं है कि आप जितना काम पड़ा है कि आप जो है ना जल्दी घर वापस आ जाओ, नहीं मुझे नहीं लगता, तो मुझे ये लगता है कि हमें ही घर छोड़ के इधर आना होगा मेरे पास ऐसे सोच लो आप नहीं आ रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ही घर छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा, बहुत सारे सारे लोग जितने भी घर वाले हैं ना सारे आपके मूंज में बिल्कुल क्या कहते हैं ना रोज निरवाते हैं रोज आज तुम आ गए हो ना, वोट है 8 तारीख को, हाँ जी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया है कि तकरीबन 5-6 को चला जाऊंगा, ठीक हो गया, 8 तारीख को वोट भुगताऊंगा, दो दिन उधर रहूंगा, हाँ। फिर वापसी आ जाऊंगा, क्योंकि काम आपने देखा ना बहुत बिखरा पड़ा है, मुकम्मल हो जाएगा गोपे का, अच्छा उस्ताद को दूंगा छुट्टी, ठीक है, मामू को कहूंगा मुझे छुट्टी दे वोटों के बाद जो है ना, चले सही हो गया। अब आपका आप दूसरी बात, हमारा मेरे ख्याल में इस बार वोट तय हो जाएगा, हम जा रहे हैं शादी पर, तो हम आएंगे तकरीबन कोई 15 तारीख को, कौन कौन कितने दिन, तकरीबन कोई हमारा 10-12 दिन का टूर है वहाँ पे, कराची जा रहे हैं, हाँ जी, इमाम असलम, हाँ जी, हाँ जी, फैमिली भी है, हाँ जी, सारे, हाँ जी, सारे नहीं, हैदर, मामू असलम और
मामू सॉरी मामी साहिबा और मैं, बस चार बंदे हम जा रहे हैं। गाड़ी पे या इधर गाड़ी से जाओगे? इधर हम बस से जाएंगे। अच्छा, हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि हम ना जा रहे हैं इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ, हमारी शादी की तैयारियां फुल मुकम्मल हैं, ठीक है ना, वो भी इंशाल्लाह जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग कराची जा रहे हैं, शादी है हमारी एक सिस्टर की, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया है भरपूर अपना हिसाब किताब से, जैसे हमारी सिस्टर है सगी बहन से भी बढ़कर है, तो उनकी शादी पे जा रहे हैं, उन्होंने इन्वाइट किया, उनका प्यार मोहब्बत खलूस का बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। तो उस शादी पे हम जा रहे हैं, मामू असलम और मामी रूबीना होगी और जो है ना सॉरी मामी साहिबा होगी और मैं हो गया और हैदर हो गया, चार बंदे हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो कराची वालों को स्पेशल जो है ना हमारा वेलकम हो गया, कराची वालों का वेलकम हम खुद करेंगे, कराची वाले हमारा वेलकम ना करें, हम खुद कराची वालों का वेलकम करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जुमे वाले दिन, इंशाल्लाह जुमे वाले दिन शाम को हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और हफ्ते वाले दिन सुबह वहाँ पर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह कराची। तो उधर हम शादी पे जिस जगह पर जाना है हमने वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे कि कहाँ पर हमने रहना है और क्या हिसाब किताब है शादी का। तो हमारा 10-12 दिन का ये टूर है इंशाल्लाह, आप लोगों ने दुआ करनी है कि हमारा ये टूर अच्छे से अच्छा गुजर जाए और आप लोगों को भी जो है ना अच्छे से अच्छा इंजॉय हो जाए। तो इस बारे में जो है ना दुआ करना मुंशी भाई, आप क्यों हंस रही हैं? चार पांच बार और मिल दो, कोई मसला नहीं, मिलने के लिए क्या है, जितनी बार भी मिल लें सारा दिन रात मिलते रहेंगे, कोई मसला नहीं है, मिलते रहेंगे, कोई इशू भी नहीं है। तो आप तो इधर थी नहीं, तो खाना कौन बना रहा है इधर किचन में? ठाके शाके हो रहे हैं, ठप 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 हो रही है। मेहरान साहब आज आपके पास मेरा काम पड़ गया है, मेहरान को बोल रहा हूँ आज आप काम पड़ गया है, वो करते हैं अभी थोड़ी देर में, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो इंशाल्लाह मेहरान के साथ शेयर करते हैं। तो आप कहाँ थे इस वक्त तक? अंधारा हो गया है, रोटी नहीं बनी अभी तक, घर में कोई नहीं है, अकेला सवेरा बाजी जो है ना, जाके देख लो खुद, वो क्या कहते हैं ना, नहीं आटे के साथ लड़ी हुई है, रोटी नहीं पक रही। हाँ चले आप बना लें रोटी, फिर इंशाल्लाह खाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो आप लोगों को मैं बताऊं, मेरा जो मोबाइल है जिससे मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो वो मैंने सेल कर दिए, ये जो है ना मेरा तीसरा टॉपिक है। पता नहीं आगे का व्लॉग शेयर कर पाता हूँ या नहीं, वो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या होता है, वरना जो मेरे पास फ़ोन है ना उसके साथ जो है ना व्लॉग बना बना के आप लोगों को जो है ना शेयर करता रहूँगा, ठीक है ना, जो भी है फ़ोन मतलब उसके साथ, तो जो जैसे भी होंगे आप लोग ने कबूल करना है, देखना है, ठीक है ना, कुछ दिनों के लिए, फिर जब नया फ़ोन ले लूँगा इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। हाँ इधर इधर बात सुने मामी, मोबाइल जो है ना मेरा बिक गया है, ये वाला ये तो बड़ी नसीबों वाला है जिसको मिला। हाँ ये बड़ी कह रही थी, क्या तो बड़ा है या बड़ी है, बस वो ये सेल हो गया, कल इंशाल्लाह ये चला जाएगा, ये वाला जो व्लॉग है आज इस पर ना लास्ट व्लॉग है मेरा। फिर क्या करोगे? फिर वो दूसरा जिसका कैमरा धुंधला है ना उस पे। फिर इसको बेचा क्यों है ये? वो बस मजबूरी थी, इसी वजह से बेच दिया है, वो मैं मजबूरी नहीं बता सकता। मुझे पता है ऐसी मजबूरी अल्लाह पाक किसी को ना दे। तो मेरी जो ये तीसरी मजबूरी थी वो ये, और सॉरी टॉपिक था वो ये है कि मेरा मोबाइल जो है ना, हकीकत बता रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा, ये सेल हो चुका है, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि कुछ पैसे काम लगा लूँ और कोई मतलब छोटा सा मोबाइल ले लूँ, तो कुछ पैसे भी काम लग जाएंगे और घर भी पैसे भेज दूंगा, तो इसी वजह से मैंने अपनी मजबूरी की वजह से ये मोबाइल सेल कर दिया है। हाँ भाई अच्छा किया है मोबाइल सेल करके,
मोबाइल सेल करके अच्छा किया। आप हंस रही हो, मेरा मोबाइल सेल हो रहा है, जा रहा है और आप हंस रही हो। उनकी हालत बेताब सिखाए माजर। किससे पूछ रहे हैं बेचारा जो सारा दिन मेहनत करता है, उनको पता है कि खून कैसे बनता है। ये जो है ना आपने ये टॉपिक मेरा हाँ। इसको ऐसे रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ, आप ये सोच रहे होगे कि कैसे रखता है। यार मैंने मुंशी भाई को मोबाइल गिफ्ट किया, मैंने मामू को मोबाइल गिफ्ट किया, ठीक है ना, और मेरी अपनी हालत देखो, मैं अपना फोन सेल कर रहा। चले कोई मसला नहीं है, ये होता रहता है, ये कोई इश्यू भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप जाए ये अपना हथड़ा लेके आप जाएं जाएं, टाइम ओवर है फिर आपका। मैंने मैंने सुना है आपका आज टिकटॉक पे लाइव मैच भी है, जाओ जाओ। बहुत बड़ा मैच, हाँ मैच बड़ा है। तो जी ये जो है ना हमारा तीसरा टॉपिक था, जो हमारा चौथा टॉपिक है वो क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपके सबके सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ अभी इसी व्लॉग में, वो भी जो है ना आप लोगों को देता हूँ सवालों के जवाब। मेरे पास टोटल कॉमेंट्स खड़े हुए हैं, कैमरा मैन ही मेरी जो है ना अपना मेहरान करेगा, तो मैं जो है ना आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। तो भाई अभी एडिटिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया है इसने। यार इतना प्यारा कैमरा, यार ये वाला फ़ोन मुझे दे दो, मैं कराची से वापस आ जाऊं फिर आपको वापस कर दूंगा। भाई 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 आप 15 दिन आप नहीं आओगे ना, मेरा हाँ। डॉक्टर नहीं जाएगा ये ले। नहीं वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है, चलो देखते हैं यार क्या होता है मेरे साथ। चलो आप लोगों के साथ क्यों है ना वीडियो भी जो है ना मैं शेयर कर देता हूँ। मेहरान साहब कोई टाइम है हमारे लिए तो बताओ। यार खाना बाद में खाना, मैं तो कहता हूँ व्लॉग बना लो। चल यार आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो ना मदर। चले यार जो मेरा कैमरा मैन ही है ना, कोई नहीं कर रहा, मैं खुद ही कैमरा मैन ही करके और खुद ही आप लोगों को सवालों का जो है ना जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो नो टेंशन, इसमें कोई बात नहीं है। क्या करूं वो अभी लगा लो पिक्चर, नंबरदार को बोलो नंबरदार पिक्चर लगा देगा। चले जी फिर स्टार्ट में करता हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा यार मैं आपको बताऊँ कि मैंने हकीकत में जो बात है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने अपना मोबाइल जो है ना क्यों सेल किया है। तो वजह ये थी, एक तो हमारे पास जो है ना लाइटिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, आप लोगों को पता है जब मैं घर जाता हूँ ना वहाँ पर लाइटिंग का बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो दूसरी बात यह है कि इस फ़ोन की ना बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम थी, जिस पर मैं सिर्फ एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था, दूसरे व्लॉग पर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती थी, चार्ज करनी पड़ती थी। तो इसी वजह से मैंने इसको सेल कर दिया है, ठीक है ना। बैटरी टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो बार बार फिर भर भी नहीं सकता था इसका इसकी बैटरी, तो मेरे पास भी मजबूरी थी, इसी वजह से मैंने ये फ़ोन जो है ना सेल कर दिया है। फिर मैंने कहा कोई अच्छा सा फ़ोन लूँगा। वैसे बहुत सारे कम रेट पर मैंने बेचा है, लेकिन आगे फिर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छा सा फ़ोन लो जिस पर ब्लॉगिंग भी मेरी अच्छी हो पाए और उसकी बैटरी टाइमिंग भी हो, बैटरी बैकअप भी हो, ताकि मुझे किसी चीज़ की डिस्टर्बिंग ना हो ब्लॉग बनाने में, किसी चीज़ का कोई मसला ना हो। तो इसी वजह से ही मैंने ये फ़ोन सेल किया। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। फिर काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं यार अजीब आदमी हो, ऐसी बात है वैसी बात है, बहुत सारी बातें बातें शातें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ब्लॉग इसी वजह से मोबाइल सेल किया है कि इसकी बैटरी टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं था, मतलब व्लॉग ना बनाने के काबिल था। ये बनाता था एक व्लॉग ही बनाता था, उसके बाद मैं इसको पूरा दिन चार्ज करना पड़ता था, फिर उठाता तो फिर बैटरी ख़त्म, मतलब इसकी बैटरी लेवल बिल्कुल ही गिर सकते। मैं आपको दिखा भी देता स्क्रीनशॉट में, वैसे भी स्क्रीनशॉट करके आप लोगों को दिखा दूँगा, बैटरी इसकी सर्विस पे है। मैं स्क्रीनशॉट करके ना व्लॉग के अंदर ना इसकी जो है ना वो लगा दूँगा, इसकी बैटरी जो है ना सर्विस पे है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सेल कर दिया। तो जब बैटरी इसकी सर्विस पे आती है ना, फिर बैटरी टाइमिंग इसकी बैटरी बैकअप जो है ना ख़त्म हो जाता है, ये बिल्कुल बैटरी बैकअप नहीं देता, इसी वजह से मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के सवालों का जवाब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक तो मेरा हाथ जो है ना ये थक जाता है जब एक ही हाथ में फ़ोन पकड़ो पकड़ते पकड़ते,
अभी जो है ना आप लोगों के सवालों का जवाब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो थोड़ा सा काम था, इधर हम गए थे, सब लोग ये देखें अभी जा रहे हैं, मामू वाले भी और मुंशी भाई भी आ गए हैं वापस। तो थोड़ा सा इधर हमें बुलाया हुआ था, कोई प्रोग्राम था थोड़ा सा। हाँ जी, तो हाँ वोट थे ना, वोट आ रहे हैं ना, इलेक्शन आ रहे हैं ना, उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करने के लिए आए हुए थे नून लीग वाले। तो हमने कहा चले उसमें शमूलियत हासिल कर लें। वैसे तो हम तो हैं पीटीआई के, लेकिन वैसे काम शाम करने के लिए। ये गाड़ी किसकी आई हुई है, पीछे की तरफ देखती हैं इनको, लगती तो मुझे अल्ताफ पहोर साहब की है मेरे ख्याल में। और होए मेरे ख्याल में मेहमान आए हुए हैं, अंदर जाके देखते हैं कौन मेहमान आए हुए हैं। ओए अल्ताफ भाई, अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक होते हैं भैया? से ठीक है फिर तो, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। डॉक्टर साहब सही जनाब, जनाब क्या हाल है? ठीक होते हैं भैया से? ठीक है फिर तो, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मतलब कैसा लगा हमारा सरप्राइज यार? ये इसी वजह से तो हम खुद भी परेशान है, उधर बैठे थे सामने तो गाड़ी इधर से आई, मैंने कहा यार इधर और गाड़ी आ तो रह सकती कोई, और है वो ब्लैक कलर वाली, पता सबको चल गया कि अल्ताफ भाई आ गए हैं। यार प्रोग्राम हमारा यार यार आप लोगों का इतना बड़ा सरप्राइज हमें तो परेशान ही कर दिया, यकीन मानो। सीरियसली पता, हाँ पता भी नहीं चला तो यार, बहुत कुछ सोचा हुआ था लेकिन रास्ते में जो है ना सारा प्रोग्राम हट गया। ओ अल्लाह खैर करे। कैसे? यहीं पे साहब ने देख लिया ना। हाँ इधर देख लिया था सामने, हम सब इधर बैठे थे ना, क्या पता था सारे रास्ते में इकट्ठे हुए बैठे यार। आप मुझसे रابطہ कर लेते ना, आपको पता था मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता। हाँ। थोड़ा सा आप लेट आ जाते, बस हमारे पीछे रुक जाते। हाँ सबको सरप्राइज देने की लेकिन बस वो नहीं हो सका, बढ़ गया ना सरप्राइज। हाँ। अभी ये सही है, रास्ते में आ गए। हाँ वो बैठक में बैठे मेहमान आए बैठे हैं कुछ, आ जाए फिर गपशप लगाते हैं। और ड्राइवर साहब आपने गाड़ी को लॉक भी नहीं लगाई थी। हाँ, ठीक है ना। हाँ, मैंने अभी आकर देखा गाड़ी खोला, पता क्या तो वो ना इधर खुल गया उसका। इधर पता क्या, इधर लॉक इसलिए नहीं लगाई कि ये कैमरे की आंख सबको देख रही है। अच्छा मतलब की बात आपको बताऊं, कैमरे की आंख सबको देख रही है तो ये सामने वाला जो कैमरा ये खराब हुआ। चलो ये तो हमें पता नहीं था, ये तो हमें पता नहीं था ना, लेकिन ये बात सबको पता नहीं है ना। हाँ आप बता रहे हैं ना, कोई मसला भी नहीं है, कैमरे भी चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इधर अब गार्ड भी अवेलेबल है और आपकी गाड़ी बगैर लॉक किए चाबी भी अंदर खड़ी रहे कहीं भी नहीं जाएगी। ये आप रक्षे को देख रहे हैं ना, ये 24 घंटे इसकी ड्यूटी इधर खड़ा रहता है। हाँ दिन को भी रात को भी, तो वैसे भी चौकीदार है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, बेहतरीन। आप सुने सफर कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, माशाल्लाह। मेरी हालत खराब हुई थी, मेरे जो है ना दाढ़ में दर्द शुरू हो गया था शदीद किस्म का। ओए होए रास्ते में वो भी घर से ठीक था, फिर वो डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डेंटल के पास सर्जन था, उससे जो है ना फिर वो कुछ ट्रीटमेंट करवाई है। ठीक है, खैर करे अब कुछ बेहतर है तबीयत। वो फिलिंग वगैरह तो नहीं करवाई? फिलिंग नहीं करवाई, वो फिलिंग वहाँ पे होती भी नहीं है। अच्छा, उसका मसला इतना बिगड़ा हुआ। फिर कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाया होगा? टैबलेट्स जबरदस्त, सफाई वगैरह करवाई है, टैबलेट खाई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। टैबलेट वगैरह खाई है, पेन किलर और साथ में एंटीबायोटिक वगैरह, जबरदस्त हो गया। अब माशाल्लाह कुछ नॉर्मल हुआ है अभी? काफी बेहतर है, रास्ते में कुछ थोड़ा बहुत वो पेन हो रही थी। असल में ना आपने रास्ते में कोई मीठी चीज खा ली हो? नहीं कोई ऐसी मीठी चीज नहीं, बिल्कुल भी। चले अल्लाह खैर करे, बस वो मसला है ना वो काफी का। हाँ। अंदर से खाली हो चुका है बस, वो ही है वो आखिरी भुर्ज के खत्म हो जाएगा। तो जी माशाल्लाह जैसा कि आप लोगों ने देखा है ना, अल्ताफ भाई ने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। ठीक है ना, हम उधर बैठे हुए थे तो कोई मेहमान वगैरह आए हुए थे तो हमें पता भी नहीं चला, इन्होंने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सरप्राइज दिया, यकीन कीजिए बहुत खुशी हुई। और मजे की बात और भी है कि मैं भी जो है ना कल शाम को ही पहुंचा इधर। अच्छा, इसका मतलब हमारे नसीब में लिखा हुआ था मिलना। नंबरदार भी आ गया है। अच्छा मजे की बात और बताऊं आपको, नंबरदार ना आपका
कब से वेट कर रहा है, ढूंढ रहा था इधर उधर। और हमें ये भी पता चला घर से, हमें पता चला कि ना अल्ताफ भाई और हनीफ भाई ना इकट्ठे नहा रहे हैं। अच्छा, तो हमने कहा यार ये कोई नहाने का टाइम, नंबरदार से पूछो। अच्छा, ऐसी बात है ना, बात है। हमें ऐसे बता। अच्छा, हमने कहा चलो यार थक गए होंगे, वैसे फ्रेश हो रहे होंगे, नहा रहे होंगे। अच्छा। लेकिन फिर हमने ये भी कहा यार सर्दियां हैं, कहाँ नहा रहे होंगे। फिर ढूंढा इधर उधर नंबरदार ने, कोई घर नहीं छोड़ा, सब घरों में आपको ढूंढा। फिर मैं अभी बाहर निकला तो आप उधर से वापस आ रहे थे सामने। ये सीन हुआ हमारे साथ। अमन चम्मन है। इनसे तो हमने मिल लिया। अभी हम मिले नहीं क्योंकि वो जो है अभी बिजी है, मेहमान आ गए मेरे ख्याल में, उनके साथ बैठे हुए हैं। हाँ जी, अमन तो है, चम्मन थोड़ा सा साइड पर बैठा हुआ है। चम्मन आ गए तो फिर उनसे जो है ना मुलाकात। ओके ओके, चलें घर। फिर आज ना फिर जो है ना लेट हो गया हूँ, आज फिर जो है ना क्यू एन ए वीडियो करनी थी, ठीक है ना, आज फिर नहीं हुई, टाइम नहीं मिला अभी वीडियो जो है ना एडिटिंग वगैरह करनी है, टाइम ओवर हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा पहले उधर थोड़ा सा मतलब वहाँ पर बुलाया गया था, कट था उधर, वहाँ पर गए थे। उधर से वापस जब आया तो फिर मेहमान आए हुए थे अल्ताफ भाई वाले, तो मैंने बोला तो था कि मैंने मतलब क्यू एन ए वीडियो आप लोगों को जो है ना करनी है, लेकिन अगर फिर भी जो बंदे रहते हैं सवाल जवाब करने वाले वो फिर भी सवाल जवाब कर दें, तो इंशाल्लाह 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 कल इंशाल्लाह सुबह की वीडियो में, कल इंशाल्लाह सुबह की वीडियो में, ठीक है ना, कल जो मैं 2 बजे वीडियो सुबह डालूंगा फर्स्ट टाइम, तो उसमें जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को क्यों ना वीडियो जो है ना होगी मेरी कल की, कल सुबह। तो कल सुबह इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलता है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।